गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रीपोजिशन की बात चल रही थी। हमने कहा था कि प्रीपोजिशन लगभग समाप्ति की तरफ है, तो देखने के बाद हमको दो चार रूल और दिखाई पड़ा। ओके, तो वो दो चार बातों पर थोड़ा सा हम लोग विचार विमर्श कर लें, उसको हम आप लोगों को बता दें, जिससे प्रीपोजिशन में कहीं कुछ रह ना जाए, छूट ना जाए, और तब फिर हम एक्सरसाइज और कुछ और चीज़ें प्रीपोजिशन के बारे में अभी आपको हम रिटर्न देते हैं, ठीक ना। प्रीपोजिशन के बारे में कुछ लिखी हुई चीज़ें, प्रीपोजिशन के कुछ एक्सरसाइज हम रिटर्न देते हैं, उसको आपको करके दिखाना पड़ेगा। और एक सूचना और इन्फॉर्मेशन ये है कि अब आप लोगों का ग्रामर पोर्शन लगभग समाप्ति की तरफ है, जो कुछ भी है उसको फिर पढ़ा दिया जाएगा, रिविजन करा दिया जाएगा। अब आप लोग बुक ले लीजिए और कल से या कल के बाद से सप्लीमेंट्री शुरू किया जाएगा आपका, ठीक है। तो आप सब लोग बिल्कुल रेडी हो जाइए, यदि बुक है तो कोई बात नहीं है, अगर बुक नहीं है आपके पास तो मैनेज कर लीजिए आजकल में, और सप्लीमेंट्री जो है आप क्लास जाएगा, क्योंकि अब सारे क्लास इसी से पढ़ाने हैं, तो सप्लीमेंट्री का आप लोग बिल्कुल प्रिपेयर हो जाइए, पढ़ाया जाएगा, उसकी एक्सरसाइज दी जाएगी, ट्रू फॉल्स, ठीक ना, इसमें जो कुछ भी होता है उसको दिया जाएगा और आप करते जाइए। आ जाइए थोड़ा चर्चा कर ले प्रीपोजिशन पर, है क्या कि दो एक चीजें भूल गए थे या छूट गई थी, जैसे इसमें देखिए छोटे स्थान के लिए एक का प्रयोग किया जाता है, समझ गए ना, छोटे स्थान के लिए एक का प्रयोग किया जाता है और बड़े स्थान के लिए इन का प्रयोग किया जाता है। हो सकता हम बताए हैं, लेकिन पुनः आप अपने रिमाइंड कर लीजिए कि जब किसी छोटे स्थान की बात आती है तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, एट का प्रयोग करोगे, और जब बड़े स्थान की बात आती है तो किसका प्रयोग करोगे, इन का प्रयोग करोगे, ठीक ना। जैसे ही लिव्स इन मुंबई, बड़ा स्थान आ गया, लेकिन ही लिव्स एट कांदीवाली इन मुंबई, समझ गए ना। जैसे ही लिव्स इन दिल्ली, वह दिल्ली में रहता है, लेकिन ये दिल्ली का कोई स्थान संगम विहार ऐसे टाइप का है, तो आप लिखोगे ही लिव्स एट संगम विहार इन दिल्ली, समझे नहीं। तो छोटे स्थान के लिए एट और बड़े स्थान के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इनका प्रयोग किया जाता है। एक ये बताना था, दूसरा ये बताना है कि प्रपोजल प्रस्ताव, प्रपोजल में क्या होता है, प्रस्ताव, जब हम किसी के प्रस्ताव से सहमत होते हैं तो वहां पर एग्री के साथ टू का प्रयोग किया जाता है, एग्री टू योर प्रपोजल, एग्री टू योर प्रपोजल, जब हम किसी के प्रस्ताव से सहमत होते हैं तो वहां पर प्रीपोजिशन किसका प्रयोग किया जाता है, टू का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब हम किसी से डायरेक्ट सहमत होते हैं तो वहां पर एग्री विद लगाया जाता है, तब प्रीपोजिशन क्या लग जाएगा, विद लग जाएगा, आई एग्री विद यू, आई एग्री विद यू। जब आप किसी से डायरेक्ट सहमत होंगे, किसी व्यक्ति से सहमत होंगे, तो प्रीपोजिशन विद का प्रयोग, और जब उसके प्रस्ताव से सहमत होंगे तो प्रीपोजिशन किसका प्रयोग, टू का प्रयोग किया जाता है। ओके, तीसरी बात यह बतानी थी, एक वर्ड होता है नेसेसरी, नेसेसरी में होता है आवश्यक, नेसेसरी, नेसेसरी के साथ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है, जहां भी नेसेसरी का प्रयोग होगा वहां पर प्रीपोजिशन किसका प्रयोग किया जाएगा, टू का प्रयोग किया जाएगा, नेसेसरी टू लाइफ, नेसेसरी टू हेल्थ, नेसेसरी टू यू,
नेसेसरी टू देम, तो नेसेसरी के साथ प्रीपोजिशन किसका प्रयोग किया जाएगा, टू का प्रयोग किया जाएगा। अब आगे देखें, चौथा जो आपको बताना था, इंजरियस हानिकारक इसके साथ भी प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है। कौन सा प्रीपोजिशन, टू का प्रयोग किया जाता है। इंजरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, समझ गए ना। तो जहां पर इंजरियस आएगा वहां पर प्रीपोजिशन क्या होगा, टू का प्रयोग किया जाता है। फिर पांचवा ये बताना था, जो प्रीपोजिशन चल रहा है क्रम में, पांचवा हमको बताना था, एक होता है आफ्टर और दूसरा होता है बिहाइंड, आफ्टर और बिहाइंड। आफ्टर मीन्स होता है बाद और बिहाइंड मीन्स होता है पीछे, ध्यान दीजिएगा। आफ्टर जो होता है ये समय सूचक होता है और बिहाइंड जो होता है ये स्थान सूचक होता है, बिहाइंड स्थान सूचक होता है। तो आप आफ्टर के स्थान पर बिहाइंड या बिहाइंड के स्थान पर आफ्टर का प्रयोग मत कीजिएगा। जब समय की बात आती है, बाद की बात आती है, तो आप आफ्टर का यूज करोगे। पीछे की बात आती है, स्थान की बात आती है, तो वहां पर किसका यूज करोगे, आप बिहाइंड का यूज करोगे। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, ही केम आफ्टर मी, वह मेरे बाद आया। देखिए यहां पर देख लीजिए, ही वाज सिटिंग बिहाइंड द ट्री, किसके पीछे बैठा हुआ था, वृक्ष के पीछे, पेड़ के पीछे बैठा हुआ था। तो ये आफ्टर और बिहाइंड के अंतर होता है। आफ्टर समय सूचक होता है, बिहाइंड स्थान सूचक होता है। तो दोनों को तालमेल बना करके लिखिएगा, ऐसा नहीं कि उसके उसके स्थान पर रोक कर दीजिए और उसके स्थान पर कर दीजिए। और क्या बताना है, एक और बताना है, एक नियम और आपको बताना है, ये छठवां, डिसाइड और डिसाइड्स। डिसाइड मींस होता है भगत और डिसाइड्स मींस होता है, इन दोनों में अंतर समझिएगा, डिसाइड और डिसाइड्स, ठीक ना। जहां बगल की बात आएगी वहां पर डिसाइड का प्रयोग करोगे, जहां अतिरिक्त की बात आएगी वहां पर किसका यूज किया जाएगा, डिसाइड्स का यूज किया जाएगा, समझ गए ना। जैसे आ रहा है, ही सेड डिसाइड मी, ठीक ना। ये आ रहा है, ही एड It had eaten rice besides chapati। तो यही डिफरेंस है beside और besides का। अब आपके प्रीपोजिशन के सारे टॉपिक समाप्त हो चुके हैं। सबको पढ़िए, रिवीजन कीजिए और अभी कुछ वर्क हम आपको देते हैं, ठीक ना। इनको जो है पढ़ डालिएगा, इससे प्रीपोजिशन को पढ़ने में, याद करने में बहुत ही वो मिलेगा, आपको लाभ मिलेगा। इसको जरा देख लीजिए।